दोस्तों वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्या कमी हो रही है आपके वीडियो में? उसकी कमी आप हो। अच्छा, आपके कमी के कारण वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। यूट्यूब में कमी नहीं है, आपके थंबनेल में भी थोड़ी सी कमी हो सकती है। अगर थंबनेल आपने इम्प्रूव कर दिया, आदमी क्लिक कर रहा है लेकिन अंदर नहीं घुस रहा है, तो कहाँ दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है बताइए? कमी है ऑडियो रिटेंशन, जो देख सकते हैं ऑडियो रिटेंशन, जे आपको बढ़ाना होगा। आपने देखा होगा आपके वीडियो पे व्यू अगर बढ़ रहे हैं थोड़े से भी, 10-15 व्यू, उसके बाद 50 व्यू अगर इंप्रेशन भेज रहा है यूट्यूब, क्लिक थ्रू रेट CTR भी अच्छा आ रहा है, लेकिन व्यू क्यों नहीं आ रहा है? एकदम से 50 पे वीडियो रुक क्यों गया? इसकी कमी है आप। अरे कहना क्या चाहते हो? आप अगर अपने वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करेंगे दोस्तों, आज मैं ऐसी बात बताऊंगा, अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप आज को सीख के जाएंगे, मैं आपसे बता रहा हूँ। आपने अगर अपना वीडियो इंप्रूव कर लिया, बोलने की स्टाइल अच्छी कर ली, आप रोक नहीं पा रहे हैं लोगों को। अगर आपने रोकना सीख लिया, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने रोकना सीख गए तो आपकी पब्लिक आपको वीडियो पूरा देखेगी, पूरा सुनेगी। थोड़े इफेक्टिव वे में बोलिए और माइक खरीद लीजिए, बिना माइक के मत कर रहिए। आप कम से कम 500-700 रुपये में वो आज का माइक आ जाता है, 600-700 में वीडियो में लिंक है, आप वहाँ जाके परचेज कर लेते हैं। मैं उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप मेरी क्वालिटी देख सकते हैं वॉइस की, तो आप बोया का माइक परचेज कर लीजिए, उसके बाद आप इम्प्रूविंग करिए। मोबाइल ज़्यादा महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल आप सारा मोबाइल से भी वीडियो शूट कर सकते हैं, मैं भी मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपको बस अच्छी वीडियो बनाना है, सबसे पहले आप थोड़ा बोलने की स्टाइल प्रभावी बोलिए। जैसे मैं अभी आपको इंप्रेशन में बोल रहा हूँ, अगर मैं आपके ऐसा बोलूँ कि आप अपनी क्वालिटी अच्छी रखिए तो कोई नहीं देखेगा, और मैं ऐसा बोलूं आप अपनी क्वालिटी अच्छी रखिए तो सब लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो पर टिकेंगे। आई कांटेक्ट रखना है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर नहीं देखना, देखिए स्क्रीन, आपको कैमरे पर देखना है। कैमरे पर जब आई कांटेक्ट रखेंगे, मैं कैमरे पर देखा हूं, आपको पकड़ के रखा हूं, कैमरे पर देख के ही आप वीडियो शूट करें। कई लोग होते हैं जो स्क्रीन पर देखने लगते हैं, स्क्रीन पर देखेंगे तो ऑडियंस को लगता है जी इधर उधर देख रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है, आपको आई कांटेक्ट में रखना है तो ऑडियंस समझती है कि जो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, जो मुझे समझा पा रहा है। आप जो समझाने आए हो वो ऑडियंस तक अगर आपकी बात पहुंचेगी तो आपके वीडियोस पे व्यू आने लगेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अगर आपने बोया का माइक नहीं लिया है तो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके परचेज करिए। उसके बाद आपका कैमरा जैसा भी है, लाइटिंग का खेल है। अगर देखिए मैं अभी आउटर में बना रहा हूँ वीडियो, आपको भी आउटर में बनाना, एकदम ज़्यादा धूप के सामने नहीं आना है, नहीं ज़्यादा चमक आएगी। आपको छांव में रहना है, छांव में वीडियो बनाना है, रोशनी में बनाना है। लाइटिंग उससे मत हारिए कि मेरे पे पैसा नहीं है, मैं वीडियो कैसे बना सकता हूँ, लेकिन अगर आपके पास एक रोशनी है, अगर ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट जलाइए, LED जलाइए, ऐसी लाइटें फोकस रखिए। और आपके पास वो भी नहीं है तो आप रोशनी में वीडियो बनाइए और आई कॉन्टैक्ट लगा के बोलिए। मैं आपको बता रहा हूँ, बात सोचिएगा आप, मैं इतनी प्रभावी ढंग से आपसे बोल इसलिए ही पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको रोक के रखे हूँ, आपको मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ। और कि जेस्चर से यूज करना है, मैं जी हाथ हिला के बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको बात समझ में आए, ऐसा लगना चाहिए कि आप बोलने वाला आपकी बात सुन रहा है, आपके सामने खड़े होकर बोल रहा है, आपको समझा देना है पूरी बात, जो आप कहना चाहते हैं ऑडियंस के दिल तक उतरना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए। अगर आप जो 3-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ऑडियंस रिटेंशन आपका आने लगेगा, पूरा वीडियो आने लगेगा, आपको व्यूज आने लगेंगे। दोस्तों आज मैं कह रहा हूँ आपको, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए, जिनको आप जीवन में सफल कराना चाहते हैं। अगर मेरी बात 1% भी आप तक पहुँची ना तो आप मान जाएंगे और आप जीवन में कुछ बन जाएंगे। दोस्तों YouTube पे बहुत कमाइए, बस आप 10-15 वीडियो डाल दिए और हार मान ली और चले गए, नहीं, आपको वीडियो बनाते रहना है, क्वालिटी में धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहना है और अपनी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी में शूट करिए, अच्छी क्वालिटी में उसको एडिट करिए। एडिट का भी खेल है दोस्तों, एडिट आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं वीडियो, एडिट करिए, काइन मास्टर से अच्छा एडिट हो जाता है, और भी कई सारे ऐप हैं उससे अच्छा एडिट हो जाता है, तो आप एडिट अच्छा करिए, एडिट में अच्छा सुधार करिए, अच्छा एडिटिंग करिए, अच्छी वॉइस करिए और वीडियो अच्छा करिए और थोड़े से क्लियरिटी रखिए, आपको वीडियो चलेंगे और ऑडियो रिटेंशन जिस दिन अच्छा हो गया ना, आपका वीडियो इतना वायरल हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज बहुत जानकारी इन्फॉर्मेटिव मैंने आपको दी है, वीडियो को आपको बना
बनाना है, सब थंबनेल पे अच्छा काम करना है, एक नंबर थंबनेल बनाइए कि आदमी उसमें घुस जाए, और वीडियो को उसको टिका के रखना है कि वो रुक जाए और आपकी बात को समझे। अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।